स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार का राज्य कर्मचारियों को तोहफा। राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अब बढ़ा दिया गया है। 4% महंगाई भत्ता को बढ़ाया गया है। वित्त विभाग ने इसके बारे में आदेश जारी करते हुए बताया है कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी 2024 से ये प्रभावी होगा। योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा है जहां महंगाई भत्ता को 4% तक बढ़ा दिया गया है। योगी सरकार की तरफ से एक बार फिर से आमजन को यह खास तोहफा दिया गया है जहां इस बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है जो कि आने वाले समय में प्रभावी होगा। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ गए हैं। पंकज, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? योगी सरकार की तरफ से आमजन को एक और बड़ा तोहफा। बिल्कुल, आपको बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से एक बार फिर जो है कि राज्य कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया गया है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार ने की है, जिसमें महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ा दिया गया है। 4% की वृद्धि की गई है और ये जो महंगाई भत्ता है ये राज्य कर्मचारियों को मिलेगा और वित्त विभाग ने इस बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि ये मार्च के वेतन में पढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा और इसका लाभ पेंशनर को भी मिलेगा। 1 जनवरी से इसका सीधा लाभ पेंशनर भी उठा सकते हैं और इस महंगाई भत्ता को बढ़ाने से कुल 150 करोड़ का अतिरिक्त जो है कि खर्च जो है कि राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं राज्य कर्मचारियों के लिए एक तरह से होली का ये तोहफा राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। पंकज, ये प्रभावी कब से होने वाला है और इससे कितने लोगों को सीधा लाभ पहुँचने की उम्मीद है? देखिए, आपको बता दें कि ये जो महंगाई भत्ता है ये 1 जनवरी से जो लागू हुआ है, जो जोड़ करके ये सारा 1 मार्च के जो जल्दी जो बनेगी उसमें कर्मचारियों को मिलेगा और जो पेंशनर है उनको भी ये मिलेगा। तो कुल मिलाकर सब देखा जाए तो राज्य कर्मचारी जितने भी प्रदेश में हैं सरकारी कर्मचारी उनको इसका फायदा मिलेगा और साथ ही साथ जो पुराने पेंशनर है, जो राज्य सरकार के कर्मचारी रह चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सेवा की है, उनको भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये एक तरह से देखा जा रहा है कि राज्य कर्मचारियों के लिए ये मांग जो पहले से उठती रही है कि जो महंगाई भत्ता है इसमें कुछ वृद्धि की जाए, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अब सुना गया है और वित्त विभाग ने इसको लेकर के साफ संदेश जारी कर दिया है। पंकज, आगामी लोकसभा के मद्देनजर, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव अभी काफी कुछ नजदीक समय में आने वाला है, तो हर एक चीज को हम उस चश्मे से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं और जिन जिन राज्यों में भी डबल इंजन की सरकार है, हम देख रहे हैं कि लगातार राज्य सरकारें लोकसभा चुनाव के जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं कई सारी योजनाएं की घोषणा करते जा रही है। क्या इसको भी हम लोकसभा चुनाव के चश्मे से देख सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि त्योहारों के मौसम में अक्सर ये देखा जाता है कि राज्य सरकारें राज्य कर्मचारियों को और केंद्र सरकार की तरफ से भी बोनस के तौर पर तोहफा दिया जाता है, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है सरकार राज्य सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव जो है कि लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि किसी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा और जो राज्य कर्मचारी है जब खुश रहेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार जो विकास के काम की बात कर रही है, जो डेवलपमेंट की बात कर रही है और महिलाओं की वेतन वृद्धि की बात कर रही है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, तो इन सब चीजों का जो है कि मिला जुला असर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में भी। नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज, अभी खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। एमएलसी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जांच में सभी नामांकन वैध पाए गए हैं। एनडीए के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, सपा के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था और जांच में पाया गया है कि ये सभी नामांकन सही है। एक बार फिर से पंकज तिवारी की तरफ चलेंगे। पंकज, ये जांच सबसे पहले क्यों गठित हुई थी, क्या अंदेशा और कहां पेच फंस रहा था नामांकन में? देखिए, क्योंकि कोई भी जब नामांकन होता है तो नामांकन की जो प्रक्रिया होती है उसका एक ये अंग होता है कि जो भी नामांकन होते हैं उसमें जो है कि कहीं कोई कालम
गलत तो नहीं भरा गया है, जो भी सूचनाएं हैं जो प्रत्याशियों के द्वारा उसमें कहीं त्रुटि तो नहीं है, ये पहले से ही दिशा निर्देश रहता है। तो जो भी नामांकन को लेकर के जो जांच हुई है उसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट और सारे के सारे प्रत्याशियों द्वारा दी गई जानकारी वैध पाई गई है। कहीं ना कहीं संख्या बल को अगर देखा जाए 13 MLC जो जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ था उनके जगह पे 13 MLC ही नामांकन अपना दाखिल किए हैं, और संख्या बल के अनुसार समाजवादी पार्टी के 3 और NDA के 10 भाजपा के साथ और बाकी भाजपा के साथ NDA के जो घटक दल है उनके 3 जो है कि प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। तो कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था और इसमें अब कहीं लेट मार्क कोई विरोधाभास नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि माना जा रहा है कि एक निर्वाचन होगा, ये कहीं ना कहीं निर्विरोध होगा और 13 के 13 जो प्रत्याशी है वो बनाए जाएंगे। पंकज, क्या और भी प्रत्याशियों के नामांकन अभी होने बाकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर एक चीज पर बहुत पैनी नजर रखी जा रही है। इस बार ये नामांकन के लिए सभी जरूरी चीजें क्या सही है या नहीं, इसकी जांच भी बेहद बारीकी से की गई है, तो क्या और भी नामांकन होने शेष है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संख्या में बहुत का फर्क है, NDA की तरफ से 10 वही दूसरी पार्टियों के 3-4। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताएं कि 2 दिन पहले ही जो नामांकन की जो प्रक्रिया थी अंतिम तारीख थी, और अंतिम तारीख के दिन ही भाजपा और NDA के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, और उसके बाद जस्ट उसके बाद समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी आए और उन्होंने नामांकन किया। तो कहीं ना कहीं जो नामांकन की प्रक्रिया के लिए निर्धारित तिथि होती है वो अब समाप्त हो चुकी है, और जो 13 जो सीटें खाली थी, जो 13 जो पुराने MLC जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ था उनमें कुल मिलाकर 13 ही मात्र नामांकन हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब नामांकन के लिए किसी और पार्टी से कोई नहीं आ सकता है, और ये 13 के 13 प्रत्याशी जो है 3 समाजवादी पार्टी के, 7 BJP के, और 3 जो है कि 3 प्रत्याशियों में एक सुभाषपा के और दूसरे RLD के जो घटक दल है BJP के, NDA के। तो कुल मिलाकर के NDA घटक दल के 10 और समाजवादी पार्टी के 3 जो प्रत्याशी हैं ये निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। CM योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने सख्त निर्देश दिए अधिकारियों को, और गर्मियों में पेयजल की समस्या ना हो इसको लेकर के CM ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जल जीवन पर बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि गर्मियों का मौसम अब चूंकि नजदीक है, तो ऐसे में आमजन को गर्मियों में पेयजल की समस्या ना हो इसका खासा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री की तरफ से कड़े निर्देश अधिकारियों को इस बाबत दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हर गांव में प्रशिक्षित प्लम्बर की तैनाती हो। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार ये सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों तक पेयजल पहुंचे, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि गर्मियों के मौसम में आमजन को पीने के पानी की समस्या ना हो इसका ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने हर गांव में प्रशिक्षित प्लम्बर की तैनाती करने की बात भी कही है और अधिकारियों को इसको लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन को लेकर CM योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ने ट्वीट करते हुए बताया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लाख तीर्थयात्री आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवेश पास के लिए भक्त का नाम, उम्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और शहर जैसी जानकारी आवश्यक है। ये प्रवेश पास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रवेश पास निःशुल्क है। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही 23 जनवरी को मंदिर को आम भक्तों के लिए खोल दिया गया था, जिसके बाद लगातार अयोध्या में देश और दुनिया भर से भक्तों की भारी संख्या भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रही है। और इसी कड़ी में इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर परिसर ने बताया है कि रोजाना 1 से 1.5 लाख भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है इसके बारे में भी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जानकारी दी गई है, और ये तमाम जानकारियां मंदिर की वेबसाइट पर भी मौजूद है।
बिजनौर में लोकसभा नगीना में बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार ने लोकसभा के शेरकोट और कई स्थान का दौरा किया, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार को काफी जनता का प्यार और समर्थन मिला। बता दें कि ओम कुमार 3 बार लगातार विधायक बन चुके हैं, वहीं जनता लगातार अनुमान लगा रही है कि ओम कुमार ही सांसद बनेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तैयारियां लगातार तेज चल रही है और इसी कड़ी में ओम कुमार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। ओम कुमार राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं, उनका राजनीतिक कद भी लगातार उनके क्षेत्र में बढ़ता गया है। उनके क्षेत्र में उनको लोगों के द्वारा बहुत प्यार और सम्मान भी मिलता रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि ओम कुमार सांसद भी बनेंगे। जनसभा थी शेरकोट में, क्या कहना है? लोगों का प्यार काफ़ी मिला है, लोग कह रहे हैं कि आप सांसद हो गए हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का और नगीना लोकसभा की जनता का, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं लोगों की कृपा से ये जो नगीना लोकसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है, ये सब हमारी नगीना की आवाज़ थी। नगीना के लोगों ने कहा था कि इस बार प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से पूरी लोकसभा के अंदर में सब लोगों में उत्साह है और आज आप देख रहे होंगे कि जब से टिकट हुआ है 2 तारीख की शाम से हम तो बीजेपी प्रत्याशी को सुना आपने, जिनको उनके क्षेत्र में काफ़ी प्रेम मिल रहा है और इसी कड़ी में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि चूंकि यहाँ की जनता चाहती थी कि यहाँ का प्रत्याशी स्थानीय हो, इसलिए उनकी केंद्रीय पार्टी यानी कि बीजेपी की केंद्रीय पार्टी ने उसको चुना है। MSME मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आज देश के अंदर उद्योग को सर्वाधिक लोन देने वाला राज्य कोई है तो उत्तर प्रदेश है, आप अनुमान कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जिस स्पीड से यूपी चल रहा है, इस स्पीड को थोड़ा और हम पुशअप कर लें तो उत्तर प्रदेश को आने वाले 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है, अवश्य होगा। हमने उन क्षेत्रों में जो हमारे पास ताकत थी, उन क्षेत्रों में, उस सेक्टर में अगर हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे और बैंकर्स ने इस दिशा में, क्योंकि जो स्पीड बढ़ी बैंक को, यूपी का हमारा जो सीडी रेशो था कहां 44% था, आज 56% से आगे बढ़ रहा, 57%, इसके साथ ही 57% तक इस वित्तीय वर्ष तक 57% तक पहुंचेगा और अगले वित्तीय वर्ष में इसी स्पीड को आगे बढ़ाते हुए हमें इस सीडी रेशियो को 65% तक लेके जाना है, इसको धीरे धीरे करके बढ़ाना है। और मेरा मानना है यूपी में संभावना है, यूपी इस लक्ष्य को, इस टारगेट को अचीव करेगा, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य करना है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करना है, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें अधिक से अधिक मजबूती प्रदान करना पड़ेगा और एमएसएमई सेक्टर को भी और अधिक आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने इसीलिए सीएम युवा के नाम पर अपनी एक नई योजना प्रारंभ की है, एमएसएमई यूनिट लगाने वाला युवा 5 लाख रुपए की तक का लोन ब्याज मुक्त ऋण के रूप में हमने उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और उसका एक मैकेनिज्म प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार करके लागू किया जा रहा है।
हम इस संख्या को बढ़ाएंगे। पहले चरण में 5 लाख, फिर वह चुकता हो जाएगा 7.5 लाख करेंगे, फिर वह चुकता हो जाएगा उसको 10 लाख तक पहुंचाएंगे, जिससे प्रदेश में इस सेक्टर की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ा करके देश के मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े हब के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित कर सके। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क इसका उदाहरण है। पहले निवेश होता था कहां? एनसीआर में, हर एक व्यक्ति आता था, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बहुत हो गया मेरठ, हापुड़, उससे बाहर कोई आना नहीं चाहता था। आज उन्नाव में निवेश करने के लिए आ रहे हैं, हरदोई में, सीतापुर में, बाराबंकी में, ग्रामीण क्षेत्र में, और अभी हमारा जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है सभी। अब आपको ले चलते हैं मंडी दीप, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव 70 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। आप सभी से आग्रह है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा माननीय महानुभावों से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप सादर अपना स्थान मंच पर रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़।